हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना अपने चैनल द बीज गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें प्लांट्स के जो पॉट्स होते हैं उनकी हमेशा कमी ही रहती है, क्योंकि हमें बहुत सारे प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने होते हैं, इसलिए पॉट्स या गमलों की कमी हमेशा बन ही रहती है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपने घर से ही निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को प्लांट पॉट में बदल देना चाहिए। तो आज की वीडियो उसी पर आधारित है कि हम अपने घर में जो वेस्ट कंटेनर प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनका हम रीयूज़ कैसे करें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मैंने अपने घर के वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर्स को कैसे रीयूज़ किया है और उन्हें प्लांटर्स में तब्दील किया है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही अपने DIY प्लांटर्स शेयर करूँगी। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने प्लास्टिक बॉटल से ही बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्लास्टिक कंटेनर्स ही हैं। तो ये जो पहला कंटेनर देख रहे हैं इसमें मैंने फाइलोडेंड्रोन लगाया है। ये प्लास्टिक की छोटी सी बकेट थी जो यूज़ में नहीं थी, इसमें मैंने जूट को चारों तरफ लपेट दिया है इसके और इसको कलर कर दिया है एक्रैलिक पेंट से। जूट आप रोप आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाती है, ये आपको रखनी चाहिए। ये आपकी किसी भी प्लास्टिक कंटेनर को एक अच्छा सा लुक दे देती है और उन्हें बहुत ही सुंदर बना देती है। और ये जो सेकंड पॉट है इसको भी मैंने एक्रैलिक पेंट किया हुआ है। ये एक पूरा 1 लीटर का डब्बा था, इसको मैंने हाफ में कट किया हुआ है और इसको फिर मैंने एक्रैलिक पेंट करके इसमें ये प्लास्टिक के प्लास्टिक चिपका रखी बीच बीच में ये स्क्वायर शेप की, और उसको अलग रेड कलर का पेंट किया हुआ है। इसी तरह मैंने ये वाले कंटेनर, ये एक फिनाइल का प्लास्टिक कंटेनर था, उसको भी मैंने 2 भागों में डिवाइड करके एक प्लांटर बना दिया। इसको 2 कलर का मैंने ऑरेंज डॉट दे दिए ऊपर, और ऊपर पूरा ऑरेंज कलर से हाफ बॉटल में ऑरेंज पेंट कर दिया था और ये जूट से इसको लटका दिया है। तो ये मेरा एक हैंगिंग प्लांटर बन गया है, देखिए कितना सुंदर। और इसमें बस आपने एक एक्रैलिक पेंट ख़रीद के लाना है और जूट रोप, और इन जब आप घर में पॉट्स बनाएं तो उनके नीचे होल ज़रूर करिए ड्रेनेज बनाने के लिए। ये देखिए मैंने सभी पॉट्स में ये ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं जिससे कि पानी की निकासी हो सके। आपको भी नीचे ज़रूर ध्यान रखना है पॉट्स बनाते समय कि आप ड्रेनेज होल ज़रूर दें सभी अपने पॉट्स में। तो और जब भी आप इनमें पेंट करें तो आप ये एक्रैलिक कलर्स ही यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल कलर रहता है, ये आसानी से निकलते नहीं हैं और धूप और पानी में ख़राब नहीं होते। धूप में ये फेड नहीं होते हैं और पानी से भी निकलते नहीं हैं। तो एक्रैलिक पेंट का यूज़ कीजिए और कोई नॉर्मल पेंट यूज़ मत कीजिए, वो जो पोस्टर कलर वगैरह होते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। चलिए और मैं अपने प्लांटर सिखाती हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। ये वाला प्लांटर मैंने ऑयल किन में बनाया है 5 लीटर की, और ये इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिट्टी आ जाती है और आप बड़ा प्लांट भी लगा सकते हैं इसमें। और इसमें मैंने ऊपर एक हेयर बैंड लगा रखा है जो किसी काम का नहीं था, और इसको ऐसे आइज़ और नोज ड्रॉ करके एक फेस प्लांटर का रूप दे दिया है। और ये एक आधी बॉटल में इसको भी मैंने ये हैंगिंग प्लांटर बना दिया है, ये देखिए जूट रोप लगा के और 2 शेड में कलर करके, और ये साइड में बीड्स लगा दी हैं। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कई प्लांटर बना सकते हैं अपने घर में पड़ी प्लास्टिक बॉटल से। और एक ये हाफ बॉटल में इस तरह से मैंने ये प्लांटर बनाया है, ये बीच में स्क्वायर शेप के प्लास्टिक काट के स्टिक करे हुए हैं। तो आप अपनी आइडियाज़ खुद ले सकते हैं और किसी भी पुरानी प्लास्टिक कंटेनर को अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। और एक ये जो पेप्सी कोला की बोतल आती हैं उसको मैंने कट करके ये कैट प्लांटर बनाया है, देखिए कितना सुंदर है। इसकी आइज़ नोज़ बना दीजिए, काफ़ी इजी है ये बनाना, शेप में कट करके केवल फेस और वो ड्रॉ करने हैं। और ये अपने इंडोर गार्डन में मैंने ये
एक आइसक्रीम जो आइसक्रीम कंटेनर्स आते हैं उसको DIY करके ये प्लांटर बनाया है। ये देखिए इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में आती हैं आइसक्रीम्स, तो उसका मैंने नीचे का कैप भी यूज़ करा हुआ है उसको रखने के लिए, जिससे कि पानी इसी में कलेक्ट हो। तो इसको अलग अलग कलर में कलर करके एक्रेलिक पेंट से, ये देखिए कितना अच्छा प्लांटर बन गया है मेरा, इस तरह से लगता है कुछ प्लांटर, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी इस तरह से अपनी बेकार चीज़ों को DIY कीजिए, और ये टेक अवे कंटेनर में जिससे हम बाहर से खाना पार्सल करा के लाते हैं डब्बे, उसको भी मैंने एक प्लांटर का रूप दे दिया है। ये देखिए जूट रोप बांध के, जूट रोप भी आपको अपने घर में रखनी चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छे प्लांटर्स बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप फेविकोल से स्टिक करके, ये फ्लावर्स भी आपको क्राफ्ट शॉप में मिल जाते हैं, इस तरह से बना दीजिए और आपके गार्डन को ये प्लांटर और भी सुंदर बनाते हैं। और बेकार पड़ी चीज़ों का आप यूज़ भी कर लेते हैं और आपके गार्डन की सुंदरता भी ये प्लांटर बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के DIY प्लांटर्स अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए। अगर आपके पास पॉट्स नहीं है तो अपने घर के सामान से ही, आप प्लास्टिक वेस्ट से ही आप अच्छे अच्छे प्लांटर्स बना सकते हैं, और उनमें अच्छा सा कलर करके, एक्राइलिक कलर करके या जूट रोप लगा के, या अपने और आइडियाज़ आप अप्लाई कीजिए उनमें, और सुंदर से DIY प्लांटर बनाइए और अपना गार्डन सुंदर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल मिलती हूँ किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।